देखिए, जब हम लोग प्राइस सेक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो प्राइस सेक्शन में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, क्या इस चीज का अंदाजा हमको है कि हम प्राइस सेक्शन में करना क्या है? मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पर्टिकुलर कोई एक ट्रेडर है ना, कोई एक ट्रेडर हमारा किस लिए प्राइस को रीड करने की कोशिश करता है, ताकि हमें एक सही एंट्री मिल जाए। क्यों आप प्राइस को रीड करना चाहते हो? तो सभी के अलग अलग जवाब होंगे ना। अगर अभी हम आप लोगों से पूछें कि चलिए देखिए, अब जैसे अश्विनी जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी सर। जी हाँ अश्विनी जी, सिंपल सी, मतलब ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट मत बनाइए इस आंसर को, सिंपल सी चीज बताइए कि अगर हम आपसे पूछे आप प्राइस को क्यों रीड करना चाहते हो या प्राइस एक्शन क्यों सीख रहे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? सर इजीली मतलब प्रॉफिट में आ सकूं, मुझे पता चले कि मतलब कहाँ मुझे खरीदना है बेचना है इसी के लिए। प्रॉफिट में आ सकूं और ये आपको पता चले कहाँ खरीदना कहाँ बेचना है। देखिए, इसी छोटे से आंसर में देखिए आप कंफ्यूज हैं, है ना? मतलब आपने आंसर दिया है कि प्रॉफिट भी प्रॉफिट ले सकें, जिसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर खरीदना है कहाँ पर बेचना है। हाँ जी सर। इस तरह से सभी लोगों के क्या है ना, अलग अलग आंसर्स होते हैं, प्रोस्पेक्टस सभी के अलग अलग होते हैं। अब हम मान लीजिए सालिम से पूछे तो उनका क्या होगा कि जैसे आपने बताया ना कि हम प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, और कोई दूसरे से अगर किसी अपने किसी दूसरे मेंबर से पूछें तो उनका कुछ और होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी चीज हमें ये देखनी है कि प्राइस को हम रीड करें, प्रॉफिट और लॉस, दो बातें बोली ना अश्विनी जी आपने कि प्रॉफिट और लॉस ये बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में आएगा। प्रॉफिट भी आप तभी कर पाओगे जब प्राइसेस को एक सही तरीके से आपको रीड करना आ जाएगा। आप एक लेवल पर जा करके परफेक्ट तो नहीं बन पाओगे, लेकिन कुछ परसेंट आप में परफेक्शन आएगा, तब जा करके आप उसके अंदर से प्रॉफिट निकाल पाओगे। या फिर लॉस भी आप तभी करोगे कि जब आप परफेक्ट होने की कोशिश की आपने, और उस प्रोसेस में आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और वो ट्रेड आपका रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहां क्या हो गया कि प्रॉफिट और लॉस अब शुरू हुए, बट कब, के जब एक नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंच गए, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पॉइंट पर पहुंच गए, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, समझ रहे हैं? लेकिन अभी तो हमको उस लेवल तक पहुंचना है ना कि जहां पर हम जाकर के ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो अभी अश्विनी जी जहां पर खड़े हुए हैं, वहां से उस परफेक्शन के लेवल तक पहुंचने में, यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, प्रॉफिट एंड लॉस को बुक करने में, और जहां पर आप अभी हैं, इस बीच बहुत दूरी है। हमें सबसे पहले इन दूरियों को खत्म करना है। दूरी का मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एंट्री और एग्जिट से पहले हमको देखने होंगे। हम पहले उन चीजों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे चल के जब हम कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो उसमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कब होगा कि जब आपके पास अपना एक सिस्टम होगा। कॉन्फिडेंस कब होगा कि जब ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहे हो चुकी होगी मार्केट के अंदर। कॉन्फिडेंस आपका कब होगा कि आपके पास जब मनी मैनेजमेंट होगा। कॉन्फिडेंस आपका कब होगा कि आप रिस्क को मैनेज करने में परफेक्ट हो चुके होगे, तब आता है कॉन्फिडेंस। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वैसे 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 आपका परफेक्शन का लेवल बढ़ता चला जाता है। आई थिंक सभी लोग एग्री कर रहे होंगे इस बात से, कोई बहुत घुमा फिरा करके हम लोग बात नहीं कर रहे। सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हम प्राइस को अगर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है कि जिस तरह से हिंदी की लैंग्वेज अगर हमें पढ़नी होती, समझनी होती, तो छोटा आ बड़ा हम लोग देखते हैं, ABCD देखते हैं इंग्लिश को पढ़ने के लिए। फ्रेंच में जाएंगे या फिर चाइनीज में जाएंगे तो उनके अपने कुछ वर्ड्स अल्फाबेट्स होंगे, तो हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना होता है? ताकि हमें वो लैंग्वेज समझनी है। अगर आपको इंग्लिश को समझना है तो आपको ABCD तो नॉर्मल है, मतलब वो तो आना ही चाहिए। इसी तरह से जब हम प्राइस एक्शन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन में हमारा छोटा आ बड़ा आ या फिर ABCD तो होता नहीं है। यहां पर क्या होता है, कैंडल्स। कैंडल्स दो ही तरह की होंगी, या तो बुलिश या बियरिश। बुलिश बियरिश का मतलब, या तो वो बुलिश कैंडल हुई, तो जिस तरह से सभी लोग कैंडल यूज करते हैं, मतलब तो कलर आप किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब या तो वो ग्रीन होंगी या फिर रेड होंगी। दो ही तरह की कैंडल्स हैं। अब आपको इन्हीं कैंडल्स का यूज करना है, इन्हीं कैंडल्स की मदद लेनी है प्राइजेस को पढ़ने में, प्राइज की लैंग्वेज को समझने में आपको कैंडल्स की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेटर प्राइस क्या कर चुका है ये बताते, प्राइस क्या करने वाला है ये आपको प्राइस एक्शन में ही समझ में आएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपको कैंडल्स की लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोशिश कर सकते हैं कैंडल्स की लैंग्वेज को रीड करने की या फिर समझने की।
हम अभी क्या करेंगे, कुल छह जैसे दो पेयर्स की या तीन पेयर्स की, ये यूनिवर्सल फॉर्मेशंस होंगी जो भी हम आपको बताएंगे, बट काम करती हैं ये इस वजह से, वरना इतना समय अपने पास नहीं है कि हम किसी भी बेकार सी फॉर्मेशंस को आपको हम आपके साथ उसको हम शेयर करेंगे। ये भी जो फॉर्मेशंस है ये काम करती हैं, काम करेंगे, इसीलिए हम इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना सबको? प्राइस को हम रीड करने के लिए हमें कुछ एक कैंडल्स की जरूरत पड़ेगी। प्राइस हमें क्यों पढ़ना होगा, ताकि प्राइस की लैंग्वेजेस को हम समझ सकें, एक सही लेवल पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क कर सकें। सपोर्ट पर या फिर रेजिस्टेंस पर जब हमारा प्राइस हो तो वहां की लैंग्वेज को हम पकड़ पाए, इसके लिए हमें प्राइस को रीड करने की जरूरत पड़ती है। और जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में प्राइस एक्शंस को रीड करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आगे चल करके हमें इसमें और भी कई सारे फैक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, लाइक स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है ना, एंट्री एग्जिट ये कैसे करना है। जब इतनी सारी चीज़ों के ऊपर हम परफेक्ट हो जाएंगे तब जा करके हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, उससे पहले बहुत सारे काम हैं कि जो हम लोगों को ख़त्म करने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली फॉर्मेशंस आप सभी लोगों को मालूम होगा एक पिन वार के बारे में, है ना? पिन वार आप सब लोगों ने पढ़ी होंगी, है ना? वॉइस वर्सा भी बताएंगे और जो सिंपल है वो भी बताएंगे। अच्छा, ये जो इस तरह की कैंडल्स आपकी बनेगी ये अपनी पिन वार है, आप इसको पिन वार भी बोल सकते हो या फिर एक बुलिश हैमर, है ना? ये अपना बुलिश हैमर है, हम इसको बुलिश हैमर भी बोलेंगे। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए कि आप प्राइस में किसी एक चार्ट में रुके हुए हो, है ना? अब चार्ट को आपको आगे की तरफ देखना है, समझना है। तो क्या है कि प्राइस अगर आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है, है ना, प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो अपनी ये वाली फॉर्मेशन आपको किस तरह से कंसीडर करनी है, ये है हमारे लिए बुलिश कॉन्टिन्यूएशन। आपका बुलिश मोमेंटम जो चल रहा है उस बीच में किसी, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पर भी आप इसको देख लो, इनकी भी अपनी एक सेपरेट जगह होती है बनने की। जगह क्या होगी, या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, इन बिटवीन कहीं पर भी नहीं देखना है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर कहीं भी नहीं। हमें चाहिए ये जो रेंज है ना, यहां पर वो फॉर्मेशन ड्रॉ हुई हो। इसको और अच्छे से समझिए, लाइक कि मान लीजिए ये अपना एक सपोर्ट है और प्राइस आपका अप ट्रेंड में चल रहा है और ये कुछ सपोर्ट पॉइंट्स हैं, तो अब प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है, ऊपर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब क्या होगा कि जो ये आपकी पिन बार है, एक तो सबसे पहली चीज कि ये आपका एक कॉन्टिन्यूएशन है, यानी कि ये एक बुलिश मोमेंटम है, प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है, ये बुलिश मोमेंटम है। अभी यहीं पर आपको अगर अपनी ये पिन बार दिख जाती है, अगर यही पिन बार आपको दिख जाए इस वाले पॉइंट पर, तो क्या होगा, एक तरह से ये मेरे लिए बुलिश कॉन्टिन्यूएशन का साइन होगा, है ना, बुलिश कॉन्टिन्यूएशन का साइन होगा। बट ये और भी ज्यादा पावरफुल या फिर और भी ज्यादा एक्यूरेट कब हो जाती है, जब ये हमारे लेवल्स पर क्रिएट होती है, लेवल्स इन द सेंस के हमारे सपोर्ट पर जब ये फॉर्म हो जाती है, और जब प्राइस इसके हाइस्ट को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ निकलता है, तब हम इसको बोलते हैं प्रॉपर वे में एक पूरी तरह से बुलिश मोमेंटम का कॉन्टिन्यूएशन हो सकता है आगे की तरफ। हम लोगों ने इतने से प्रोसेस में क्या किया कि एक छोटी सी कैंडल को देख करके प्राइसेस को समझने की कोशिश की। ये हुआ आपका बुलिश कॉन्टिन्यूएशन, प्राइस मान लीजिए आपका अपसाइड की तरफ है, या फिर अभी चलेंगे इसके वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट्स पर भी आएंगे तो उसको अभी डिस्कस करेंगे, या फिर यहीं पर देखते हैं। चलिए, अब मान लीजिए ये आपका बुलिश कॉन्टिन्यूएशन है, बियरिश कॉन्टिन्यूएशन, ये आपका बुलिश हैमर हो गया जो ग्रीन वाला था, सेकंड वाला जो है बियरिश हैमर है, जिस तरह से हमारा ये वाला है एक क्या बोलते हैं बुलिश कॉन्टिन्यूएशन था, उसी तरह से ये वाली जो अपनी फॉर्मेशन है ये बियरिश कॉन्टिन्यूएशन होगी, ये वाली फॉर्मेशन अपनी बियरिश कॉन्टिन्यूएशन। सो है दोनों वाइस वर्सा ही, प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ अगर गिर रहा है और अपने सपोर्ट्स को बार बार ये ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ चलता चला आ रहा है, ये क्या, ये जो प्राइस मोमेंटम सॉरी इसको क्या बोलते हैं, लोअर लोस लोअर हाइस, सभी लोगों को मालूम होगा इसे, लोअर लो लोअर हाइस, फिर से लोअर लोस। ओके, तो अब अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ गिर करके आपका आपके फॉर्मेशन आपके रेंजेस के पास में, लाइक यहां पर अगर वो फॉर्मेशन ड्रॉ हो जाती है, कौन सी,
बुलिश बियरिश कॉन्टिन्यूएशन की फॉर्मेशंस। तो क्या होता है कि प्राइस एक तो ऑलरेडी वो गिर रहा है, ऊपर से गिरते में प्राइस ने अपने किसी सपोर्ट्स को ब्रेक किए, प्राइस ने अपने एक सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक कर देने के बाद उसने एक हैमर बना दिया, इस तरह का हैमर, मतलब एक लेवल से प्राइस डाउन साइड की तरफ रिजेक्ट हुआ और प्राइस तो ऑलरेडी आपका गिर रहा था। तो अब क्या हो सकता है कि प्राइस में और भी ज्यादा आपको कंफर्मेशन मिलेगी, ओके प्राइस में भी हो सकता है कि ये और भी ज्यादा डाउन साइड की तरफ हमको गिरता हुआ दिख सकता है। तो इन कैंडल से हमको क्या पता चलता है कि अगर हम किसी भी ट्रेड के अंदर बने हुए हैं या फिर हम एंट्री लेना चाहते हैं, स्टॉक आपका डाउन साइड की तरफ गिर रहा है, गिरते गिरते आपके सपोर्ट पर आता है और सपोर्ट पर आ जाने के बाद अपने सपोर्ट्स को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद आपका सेम रेंज पर एक पिन बार बना देगा और पिन बार अगर ये बनती है, फिर से अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ गया तो अपना वही जो उसका पुराना ट्रेंड चल रहा था कंटिन्यू हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स तक। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम है तो अच्छी बात है ना, जिनको नहीं मालूम उनको मालूम पड़ जाएगी और अगर आपको मालूम है तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए ये भी एकदम बेसिक फॉर्मेशन है, बिल्कुल बेसिक है कि वन यूज इसका भी वैसा ही है जैसे हम लोग हैमर का यूज कर रहे थे ना, सिंपल वैसा ही इसका यूज। हम इसको डिनोट करेंगे बुलिश। अच्छा बुलिश कंटिन्यूशन क्या है, आप सभी लोगों को मदर कैंडल्स के बारे में मालूम होगा, ये जस्ट मदर कैंडल का अपोजिट होता है, इसको इंगल्फिंग भी बोलते हैं। हम यहाँ पर जिसको इसका हम यूज़ करना चाहते हैं वो एक चल रहे ट्रेंड को और भी ज़्यादा किस तरह से हम करेंटली अपने ट्रेंड में बने रह सकते हैं, या फिर अगर किसी भी ट्रेड के अंदर हम एंटर होना चाहते हैं और वो ट्रेंड स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइक कोई भी स्टॉक हमारा जब ये अपसाइड की तरफ जाता है, कोई भी स्टॉक जब अपसाइड की तरफ जाता है तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ वो अपसाइड की तरफ जाएगा हमेशा। सो ये मान लीजिए कुछ एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ओके अभी इन्हीं पर आपका प्राइस, ये रेजिस्टेंस हो गया ना डाउन साइड की तरफ और ये फिर से अपसाइड। अब देखिए क्या होता है कि बुलिश कॉन्टिन्यूएशन में हमारी ये वाले जो पॉइंट है आपके सपोर्ट्स वाले, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह यही वाली होती है कि सपोर्ट्स पर जो भी फॉर्मेशंस अगर आपकी होती हैं, अगर इस वाले पॉइंट पर होते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। इन बिटवीन कहीं पर भी हमको नहीं देखना है, मतलब जैसे कि ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सपोर्ट पॉइंट, अब इन बिटवीन आप यहाँ पर कहीं देख रहे हो तो ये इतने ज़्यादा वैलिड नहीं रहेंगे, या फिर इन बिटवीन आप यहाँ पर देख रहे हो ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आपके लिए। हमें इन बिटवीन नहीं देखना है, अपने सपोर्ट्स या फिर रेजिस्टेंस के पास में अपनी फॉर्मेशन हमें देखनी है। और ये रेंजेस कौन सी हैं, ये हायर टाइम फ्रेम की रेंजेस होंगी, हायर टाइम फ्रेम इन द सेंस कि 5 मिनट्स 15 मिनट्स पर ट्रेड करोगे आप आकर के, वहाँ पर क्या होता है कि हमें एंट्री लेते हैं, बट हायर टाइम फ्रेम पर आपकी ऑलरेडी मार्किंग्स होनी चाहिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो। अगर ऐसा नहीं है तो आप ट्रेड थोड़े मुश्किल हो सकते, तो कोशिश कीजिए कि हायर टाइम फ्रेम पर रेंजेस आप मार्क करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप काम करोगे तो थोड़ा सा आसान होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो इंगल्फिंग अपना पैटर्न है, ये पैटर्न हमको देखना होगा अपने इस वाले पॉइंट पर सपोर्ट्स पर, प्राइस अप ट्रेंड में है ना, अप साइड की तरफ जा रहा है, अभी यहीं से अगर डाउन साइड की तरफ गिरते पे, डाउन साइड की तरफ गिरेगा तो किस तरह की कैंडल्स आपकी फॉर्म होंगी, रेड कैंडल, ओके रेड कैंडल के बाद में जब प्राइस अप साइड की तरफ आपका जाने लगेगा तो पूरी तरह से यहाँ पर एक इंगल्फ पैटर्न आपको नजर आएगा इस तरह से। और जब प्राइस आपका अपनी इस रेंज को अप साइड की तरफ ब्रेक करे तो इसका मतलब होता है कि ये बुलिश मोमेंटम का कॉन्टिन्यूएशन हो सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने तक। यहां पर हम देखते हैं कि जो बुलिश कॉन्टिन्यूएशन या फिर बियरिश बुलिश इंगल्फिंग या फिर बियरिश इंगल्फिंग्स होते हैं, अगर हमें सपोर्ट्स पर मिल जाए बुलिश इंगल्फिंग, ओके तो इन सपोर्ट्स को अप साइड की तरफ अगर प्राइस ब्रेक करता है तो यहां पर एक बुलिश मोमेंटम का कॉन्टिन्यूएशन हमको शो कर सकती है मार्केट। बहुत आसानी से आराम से इसको समझिएगा, कोई बहुत हार्ड एंड टफ चीज नहीं है, ओके सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने पहले भी इसको सुना होगा समझा होगा। हम लोग जब प्राइस को रीच करेंगे ना तो आपको इन्हीं किसी कैंडल्स का सामना करना पड़ेगा,
इन्हीं कैंडल फॉर्मेशन का सामना करना पड़ेगा। कुछ इसी तरह के ग्रुप होंगे, दो कैंडल, अभी देखिए 3 कैंडल्स का अपना ग्रुप आ गए, है ना, इन्हीं कैंडल्स का आपको सामना करना पड़ेगा जब आप प्राइस को रीड करोगे। तो क्या है कि अगर हम इन फॉर्मेशन के ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस कर लें तो प्राइस को रीड करने में हमें आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, आपको काम ही यही करना होगा। ये तो हो गया आपका बुलिश इंगल्फिंग। अब प्राइस आपका मान लीजिए इसके और भी अपसाइड की तरफ जाता है, अपसाइड की तरफ जाते हुए जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग बना ही, यहाँ पर आपका हैमर भी बन सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं इनका बुलिश और बेयरिश कंटिन्यूएशन के लिए यूज किया जाता है, वो फॉर्मेशन फॉर्म हो सकते हैं। जगह इंपॉर्टेंस रखती है अपनी हर जगह। आपको अपने पॉइंट पर सपोर्ट्स पर अगर फॉर्मेशन मिल जाए और अप ट्रेंड में अगर अपसाइड की तरफ प्राइस अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो उस वहां पर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस जैसे कंटिन्यू हो सकता है। अब आते हैं बेयरिश इंगल्फिंग पर। बेयरिश इंगल्फिंग जस्ट इसका अपोजिट होगा अपना। सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल, इसमें वॉल्यूम्स के भी छोटे छोटे यूजर्स होते हैं, छोटे छोटे नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूजर्स होते हैं। वॉल्यूम्स के यूजर्स जो होंगे वो आपको हम सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल पर बताएंगे। ये छोटी सी चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, लास्ट में जब हम आपको कॉल करेंगे ना, फोन कॉल पर जो अपने डिस्कशंस होंगे तो वहां पर ये चीजें हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो ड्यूटी ये आपकी रहेगी कि इन्फॉर्मेशन को हमसे पूछो आप, इनमें वॉल्यूम्स का कैसे क्या यूज होगा, ठीक है ना, ये चीज हम फोन पर बताएंगे। सिर्फ प्राइस को यहाँ पर देखिए आप, ये जो फॉर्मेशन अभी हमने बनाई है आप इसको बुलिश बियरिश कंटिन्यूएशन के रूप में आप इसको ले सकते हो, और जब हम इसको डिनोट करेंगे तो इसको हम बियरिश इंगल्फिंग बोलेंगे। इंगल्फ क्यों बोलते हैं, प्रीवियस मेरी पूरी की पूरी कैंडल को जो नेक्स्ट कैंडल है वो इंगल्फ कर लेती है, मतलब छुपा लेती है, कवर कर लेती है। बुलिश मोमेंटम को एक बियरिश मोमेंटम ने कवर कर लिया बियरिश। सो अब प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ मान लीजिए गिर रहा है और ये कुछ आपके सपोर्ट पॉइंट्स हैं, सपोर्ट्स पर आपका मार्केट जो आपका स्टॉक है वो सपोर्ट्स पर सपोर्ट लेकर के एक लोअर हाई, अगेन लोअर लो। अब प्राइस जब आपका अप साइड की तरफ मान लीजिए जा रहा है तो अप साइड की तरफ जाते में ऊपर की दिशा में अगर आपको बियरिश इंगल्फिंग दिख गया, बियरिश का मतलब क्या कि इसने एक लोअर लो लगाया, यहाँ पर देखिए प्राइस डाउन साइड की तरफ आ रहा है ना, अब यहां से प्राइस जब अपसाइड की तरफ जाएगा यानी कि ये वाला मोमेंटम करेक्शन का मोमेंटम अगर बनता है, अगर बनता है तो किस तरह से बनेगा कि जब प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जाएगा तो इसमें ऑब्वियस है कि एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है, तो एक ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन, और इसके बाद में जब प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ गिरेगा तो एक रेड कैंडल के फॉर्मेट में आपको नजर आएगा, गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो ये होता है इंगल्फ कर लेना प्राइसेस को। अब अगर प्राइस ने हमारी इस रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया तो हम इसको कहेंगे बियरिश कंटिन्यूएशन। डाउन साइड की तरफ गिरता है, आपको आपके लेवल्स पर बुलिश या फिर बियरिश सिंगल्स नजर आ जाते हैं और उनको, उन लेवल्स को प्राइस डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूएशन। जो प्राइस फॉर्मेशन फॉर्म करने से पहले लगातार डाउन ट्रेंड में था, गिर रहा था, वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है और ये हमको और भी डाउन साइड की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा। यही वजह होती है कि कुछ ट्रेड्स में हम बैठे रहते हैं, हमें कोई भी कंफर्मेशंस नहीं मिलती हैं कि प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाएगा या फिर अब हमें यहाँ से निकलना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुबह 9:30 या फिर 10:30 के आसपास हमने एंट्री ले ली, हम ब्रोकर के निकालने का वेट करते हैं, हमें एक सिग्नल नहीं दे रहा है मार्केट कि हम निकले यहाँ से, तो हम क्यों निकलें, हम बैठे रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा ही नहीं है कि हम इन कैंडल्स को देख करके ही बैठे रहते हैं। कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस भी हैं कि जब हम उन रूल्स रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे हम नहीं निकलेंगे बाहर। फिलहाल ये आगे की चीज़ें हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी फॉर्मेशंस को। तो टोटल अभी कितनी 4 फॉर्मेशंस हो गई। अब आते हैं अपनी फिफ्थ फॉर्मेशन पर। अच्छा, फिफ्थ फॉर्मेशन में क्या होगा, जो फर्स्ट फॉर्मेशन आपने देखी वो सिंगल कैंडल थी, दूसरी फॉर्मेशन थी वो डबल कैंडल थी, एंड अब थर्ड फॉर्मेशन है तो अब ये 3 कैंडल्स होंगे। 3 कैंडल्स सिंपल है, अगर हमें बियरिश देखना है, सॉरी बुलिश देखना है, ये जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होगा। वॉल्यूम्स के यूजेस क्या है ये फोन कॉल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ प्राइसेस को समझिए कि ये जो फॉर्मेशन होती है ना, कहने को हम लोग सिंपल इसको स्प्रेड भी बोलते हैं, इनको स्प्रेड्स भी बोला जाता है, और ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हम लोग इसको, ट्रेडिशनल टेक्निकल लैंग्वेज में इसको
थ्री व्हाइट सोल्जर्स के नाम से डिनोट किया जाता है, या फिर हम इसका वाइस वर्सा कर दें तो ये थ्री ब्लैक सोल्जर्स, इसको आप स्प्रेड भी बोल सकते हो, हम आगे जब इसको पढ़ेंगे तो एज ए स्प्रेड पढ़ेंगे, व्हाइट सोल्जर या फिर रेड सोल्जर या ब्लैक सोल्जर से नहीं। अभी के लिए सिंपल आप इसको समझ सकते हैं कि ये कुल मिलाकर तीन कैंडल्स का एक ग्रुप होता है जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाता है। इन तीनों में से एक कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जितने वीडियोस हमने आपको देखने के लिए बोले ना, उनमें से एक वीडियो है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं फॉर्मेशन इसी सिंपल सिंगल इसी फॉर्मेशन को फोकस में रख करके हमने आपको एक पूरा चैप्टर तैयार किया हुआ है ना, उसको देखेंगे आप तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो जब प्राइस हमारा इन तीन फॉर्मेशन को फॉर्म करता है, जब आपकी स्क्रिप्ट में आपको ये तीन थ्री वाइट सोल्जर्स नजर आते हैं या फिर ये तीन स्प्रेड्स नजर आते हैं, तो हमें करना क्या होता है, इनका हाइज मार्क करना। अब क्योंकि ये बुलिश कॉन्टिन्यूशन की फॉर्मेशन होती है तो हम इनके हाइज को मार्क करते हैं। अगर आपका प्राइस हाइज को ब्रेक करके अपसाइड में अपनी इन फॉर्मेशन को फॉर्म करता है, लाइक द प्राइस आपका एक करेक्शन बना देने के बाद वन टू ये फॉर्मेशन फॉर्म करता है, और जब इन तीनों कैंडल्स को ब्रेक करके प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा तो हम इसको बुलिश कॉन्टिन्यूएशन बोलेंगे, जैसा कि इससे पहले के दोनों फॉर्मेशंस में हमने आपको बताया। ये भी हमारे लिए एक बुलिश कॉन्टिन्यूएशन का ही काम करें। जहां कहीं भी आपको ये तीन कैंडल्स मिलती हुई बनती हुई दिखेंगी या फिर बैक टेस्ट जब आप करोगे तो ये फॉर्मेशंस आपको जहां कहीं भी बनती हुई दिखाई पड़ेंगी, मार्केट वहां पर कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होती है, कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होंगे। अभी किसी चार्ट्स के ऊपर हम आपको इसका एग्जांपल भी दिखाते हैं। और जब प्राइस अपने इस कंसोलिडेशन के एरिया को अपसाइड की तरफ ब्रेक करती है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा। ओके, ये फॉर्मेशन जैसा हमारा बुलिश कंटिन्यूशन था वैसे ही बेरिश कंटिन्यूशन। प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में प्राइस गिरते हुए मार्केट में आपको ये फॉर्मेशन फॉर्म करके दे दे, और अगर इनके लोस को प्राइस ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में और भी बड़े मोमेंटम्स आपको शो कर सकती है मार्केट, और भी बड़े मोमेंटम शो कर सकती है। अच्छा देखिए, इतनी सी बात में एक छोटी सी चीज कि अभी हमने बताया ना कि जो आपको सिखाया या फिर समझाया जाता है कि प्राइस आपका गिर रहा है और गिरते में अगर आपको ये फॉर्मेशन नजर आ जाए और प्राइस आपका ये लो ब्रेक कर दे तो ये और भी नीचे चली जाएगी, जब कभी भी आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो आपने यही पढ़ा होगा, मार्केट गिर रही है, आपका वाइट या फिर ब्लैक सोल्जर जो भी फॉर्मेशन बन रही है अगर उसको डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेक कर दे तो वो नीचे की तरफ जा सकता है। ये हाफ नॉलेज है, आधा अधूरा ज्ञान है। फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। एक फॉर्मेशन तब पावरफुल बनती है कि जब वो आपके प्री डिफाइंड लेवल्स पर वो फॉर्मेशन फॉर्म होती है। प्री डिफाइंड का मतलब ये कि वो लेवल, जैसे कि मान लीजिए 200 रुपए का एक लेवल है, यहाँ पर आपने मार्क करके रख लिया, अभी प्राइस आपका अपसाइड में है ना, यहाँ पर है ये लेवल एज अ सपोर्ट आपका पहले से ही मार्क्ड है। होना क्या चाहिए कि आपको जो भी एक्शंस लेने आपने इन सपोर्ट से लेने, इसीलिए तो आपने ये लाइन मार्क की, इसको सिर्फ देखने के लिए तो आपने मार्क की नहीं है कि आपका चार्ट देखने में और अच्छा लगने लगेगा या फिर आपका चार्ट आपकी दिशा ही बदल देगा प्राइस को मूव करने की। नीचे आपका प्राइस आएगा, देखेगा कि यहाँ पर सौरभ ने एक रेड कलर की लाइन रख रखी है, चलिए यहाँ से ऊपर हम निकल चलते, इसलिए तो रखी नहीं गई लाइन यहाँ पर, हमने एक ये सपोर्ट लाइन पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है। कोई भी फॉर्मेशन अगर हमको देखनी है अपनी इस लाइन पर देखनी है, हमें इन बिटवीन नहीं देखनी है। जितनी फॉर्मेशन अभी सिक्स फॉर्मेशन हमने आपको बताई लगभग, कोई भी फॉर्मेशन हमको हमारे रेंज पर चाहिए, हमको हमारे लेवल्स पर चाहिए, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा अच्छे से रिजल्ट्स आपको देती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन होना ही जरूरी नहीं है, उस फॉर्मेशन का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस के साथ साथ पेशेंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो है, चलिए ठीक है, ये फॉर्मेशन काम कैसे करती कुछ कुछ अंदाजा है हमको, बट एक सही लेवल पर बनने का हमने वेट नहीं किया, उसको इन बिटवीन ही देख लिया हमने, अब ये फेल होती हुई दिखाई पड़ेंगे आपको। तो अपनी एक रेंज पर, कोई भी फॉर्मेशन हो हमको हमारी रेंज पर चाहिए, ये ज्यादा अच्छे से काम करती है। ओके, सिक्स फॉर्मेशन हमने टोटली आपको बताई, प्लस इसका यूज करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा इन फॉर्मेशन की। और इसके बाद चार्ट लेते हैं हम लोग, रनिंग चार्ट लेते हैं, रनिंग ही लेते हैं। ये प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ गिर रहा है ना,
रनिंग चार्ट पर आपका अपना एक अच्छा एग्जांपल है ना, भूल गए थे, प्राइस आपका ये डाउन साइड की तरफ गिर रहा है ना, वॉल्यूम्स को हम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ऑफ, प्राइस डाउन साइड की तरफ है और हमने आपसे बताया था ना कि अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ है तो वहां पर हमें फॉर्मेशंस अगर मिलती हैं रास्ते में कहीं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये तीन कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। अभी इन तीन कैंडल्स में हमको सिंपली क्या करना है कि इसके लोस को मार्क कर लेना है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम हमको शो कर रही है और अगर हमें किसी भी स्ट्रिक में सेल करना है तो हम हमेशा उसके अंदर के डाउन फॉल का वेट करेंगे कि मार्केट उस लेवल पर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगी तो हम यहाँ पर अपना आगे की जो एक्टिविटी है वो करेंगे। तो सिंपली हमने क्या किया कि एक लाइन यहाँ पर रख दी। अब अगर प्राइस यहाँ के डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि प्राइस में डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम हो सकता है। और हमने आपसे बताया था ना कि जब कहीं भी आपको ये तीन कैंडल्स बनती हुई दिखाई पड़ेंगी तो प्राइस वहां पर कंसोलिडेट करेगा। ऐसा क्या था कि प्राइस यहीं पर इसने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस डाउन साइड की तरफ गिर गया और फिर जो ये अपसाइड की तरफ गया तो अभी भी आपके सामने प्राइस उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यानी कि ये कैंडल्स अपना काम कर रही हैं। इस तरह से आपको मार्केट के अंदर रनिंग चार्ट या कोई भी चार्ट अगर आप बैक टेस्ट भी कर रहे हो तो उसी हिसाब से करो, बैक टेस्ट से बचो, मार्केट के अंदर लाइव मार्केट के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, तो इस तरह से आपको ये चार्ट्स फॉर्मेशंस जितनी भी है सारी की सारी देखनी, प्रैक्टिस करो।